קצת רגע שקט עלינו. אני מבקש. The Life TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग तो अभी भी जारी है। गाजा में हमास के लड़ाके इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहे हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भारी विद्रोह इजराइल में ही शुरू हो गया है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, ये जो आप लाखों लोगों की भीड़ देख रहे हैं, इजराइल के अलग अलग शहरों में ऐसे ऐसे भीड़ इकट्ठा हो रही है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपराधी घोषित कर रही है। कह रही है कि आप अपने वादे से मुकर गए, आप अपराधी हैं, क्योंकि जो गाजा में हमास के पास इजरायली सिविलियंस बंधक बने पड़े हुए हैं, उन्हें छुड़ाने का वादा नेतन्याहू ने इजराइल की जनता से किया था, लेकिन अपने महत्वाकांक्षा के चक्कर में युद्ध को जारी रखा और वो बंधक अभी भी हमास के पास ही पड़े हुए हैं। ऐसे में अब उन परिजनों के सब्र का बांध टूटा है और भयंकर विरोध देखने को मिला है। इजरायली पार्लियामेंट का घेराव होता है, सड़कें जाम की जा रही हैं, पीएम आवास को घेरा जा रहा है और यह विरोध प्रदर्शन बता रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पद छोड़ना होगा। जो यह भीड़ आप देख रहे हैं, इसके अलावा वहां पर एक्ट भी हो रहे हैं, जो नुक्कड़ के सहारे जो प्रदर्शन करके बताया जाता है कि आपने हमारे परिजनों को वहां मौत के मुंह में छोड़ रखा है, बंधक बनाकर छोड़ रखा है, उसे वापस लाने के लिए ना तो आप हमास की शर्तों को मानते हैं, इसके उलट जंग जारी रखते हैं, यह कैसे चलेगा। और इसी के बाद तो पूरा बवाल इजराइल में दिख रहा है। वैसे भी नेतन्याहू के खिलाफ दुनिया के कई देश हो चुके हैं और अब इजराइल की जनता जो लगातार प्रदर्शन कर तो रही थी, लेकिन इस व्यापक स्तर पर जहां बोनफायर जलाए जा रहे हों, एक्ट किए जा रहे हों, पुलिस के पसीने छूट रहे हों, ऐसे प्रदर्शन कम ही देखने को मिलते हैं। इसको लेकर कई जगह खबरें भी चली हैं, वो खबर भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए, प्रदर्शन का स्तर खुद महसूस कीजिए क्या हो रहा है वहां पर। 18 सेकेंड के इस क्लिप में सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है। קצת רגע שקט, שתוכלו לשמוע את מה שעובר עלינו. אזרחים יקרים, אני מבקש, ברשותכם, קצת שקט. तो देखा आपने, इसके अलावा एक और क्लिप है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं इसे इस वीडियो के सहारे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। शोर शराबा बहुत है, यहाँ पर पुलिस जो है लोगों को समझाते नजर आ रही है, इसके बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि इसी विजुअल्स में आपको बोनफायर जलता हुआ, धुएं का गुबार उठता हुआ, लोगों की भीड़, झंडे के साथ वहाँ खड़े लोग सब हैं, और ऐसे में प्रदर्शनकारियों से निपटना पुलिस के लिए मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है। लाल घेरे में जो आप विजुअल देख रहे हैं, यहाँ देखिए किस तरीके से लोग नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पुलिस के पसीने तो ऐसे ही छूटने लगते हैं। और इस तरीके से इस भीड़ ने यह साबित किया है कि नेतन्याहू से इजराइल की जनता नाराज है। अगर वहाँ चुनाव हुए तो नेतन्याहू की कुर्सी तो खतरे में होगी, यह तो तय है। मिश्रा अमरेश ने यह फुटेज सब शेयर किया है, इसमें आप शुरुआत के 7-8 सेकेंड 10 सेकेंड देख सकते हैं कि पुलिस क्या कह रही है, जरा देखिए इस वीडियो को। तो देखा आपने, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन करने के अनोखे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, उससे इजराइल सरकार के और इजराइल प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। मिश्रा अमरेश इन तमाम वीडियो को, फोटोज को शेयर करते हुए लिखते हैं, इजराइल में विद्रोह, गाजा में इजरायली हॉस्टेज कैदियों के परिवारों सहित हजारों सेटलर्स, नेतन्याहू की सरकार हमास से समझौता करे, इस सवाल को लेकर तेल अवीव में डीजे गोल्फ स्ट्रीट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सेटलर्स ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और आग लगा दी, कुछ ने हथकड़ी लगा ली और अपना मुंह बंद कर लिया।
इजरायली कैदियों के परिवारों ने आज पहले कहा, बेंजामिन नेतन्याहू हमारे बेटों को छूटने में मुख्य बाधा है। नेतन्याहू का व्यवहार एक अपराध है और अगर हम उन्हें हटाने के लिए सब कुछ नहीं करते हैं तो हम अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे। अब से हम नेतन्याहू को हटाने की मांग करेंगे और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि जो प्रदर्शनकारी अब तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक नेतन्याहू या तो उनकी मांग नहीं मान ले या नहीं तो नेतन्याहू को ये लोग उनके पद से हटा देंगे। यानी कि इजराइल में प्रधानमंत्री बदलेगा तभी इजराइल की सूरत भी बदलेगी और इजराइल फिलिस्तीन के विवाद का भी अंत होगा। नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं, वो अपने मन की करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में यह बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। जी न्यूज पर भी इस संबंध में रिपोर्ट छपी है। जी न्यूज ने लिखा, गाजा वार नेतन्याहू के खिलाफ क्यों होने लगे हैं इजराइल के लोग, हो रही है इस्तीफे की मांग। रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या कुछ बताया जा रहा है कि नेतन्याहू पर हमास और इजराइल के लोगों की तरफ से प्रेशर है। हमास का कहना है कि वह बंधकों को रिहा कर देगा लेकिन इजराइल को गाजा से फौज को वापस बुलाना होगा और यह पूर्ण तौर पर सीज फायर होगा। उधर लोग बंधकों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। जेरूसलम और तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब नेतन्याहू दोनों ओर से फंस गए हैं। शनिवार को जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसके ही वीडियो जब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे और यह प्रदर्शन का आकार बहुत बड़ा है। इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में तो और भी ज़्यादा विरोध देखा जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। यहाँ कहा जा रहा है कि शनिवार शाम को विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब इजराइल और हमास के बीच काहिरा में रविवार को संघर्ष विराम वार्ता फिर से शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की मध्यस्थता में हुई इस वार्ता का उद्देश्य गाजा में अस्थायी युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई पर पहुंचना है। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों, जिनमें कुछ बंधकों के रिश्तेदार भी शामिल थे, शहर की रिंग रोड को अवरुद्ध कर दिया। वे बंधकों की रिहाई के साथ साथ जल्द चुनाव की मांग भी कर रहे थे। मतलब साफ है कि अब सरकार बदलने का वक्त आ चुका है और इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव जितनी जल्दी हो कीजिए और नेतन्याहू को तो पद से हटा ही दीजिए। क्या हुआ है, इजराइल पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया और उसके बाद यह वीडियो क्लिप सब वायरल हो रहा है। यहाँ पर लिखा गया है कि शनिवार देर रात इजराइल पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सुरक्षाकर्मी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने आदेश तोड़ दिया और कैपलान स्ट्रीट पर प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध करने की कोशिश की। पुलिस ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने पुलिस के साथ भी भिड़ने की कोशिश की और पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन किया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में लोग सड़क को रोके हुए हैं और वहां बोन फायर जलाते दिख रहे हैं। रविवार की सुबह, अब पुलिस ने जो लेटेस्ट अपडेट दिया है वो भी जरा देख लीजिए। रविवार की सुबह का अपडेट यह है कि तेल अवीव में प्रोटेस्ट रुक गया है, 16 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। जेरूसलम में सरकार के खिलाफ और भी प्रोटेस्ट आज होने वाले हैं। गाजा में मरने वालों की तादाद 32,623 पहुंच गई है, वहीं 75,000 से अधिक लोग घायल हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे संवेदनशील मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा नहीं उठेगा तो क्या होगा, और यही विद्रोह के स्वर हैं जो नेतन्याहू को उनके पद से बेदखल कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।